हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द सोलूशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेट्स सेशन ऑफ मैकेनिकल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर नोन से सो दोस्तों मैथेटिक्स के करीबन बारह नंबर के क्वेश्चन आए थे तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिले हैं. तो दीजर द मेमोरी बेस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. तो जो क्वेश्चन मुझे अभी तक प्रोवाइड हुए दोस्तों मैं का सॉल्यूशन करने वाला स्टार्ट है ना. तो देखिए तो so, एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस आपको लिमिट निकालनी है सिंपल और आपको ऑप्शन दे रखे दोस्तों वन बाई फोर वन बाय थ्री वन बाई टू एंड वन तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से बार गेट, गेट एग्जाम में आ चुके हैं आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है so let me start the solution. तो लेट मी स्टार्ट द सोल्यूशन तो ये दोस्तों अगर मैं पे एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो कॉज जीरो कितना हो गया वन वन माइनस वन कितना हो गया 0. So numerator हमारा जीरो तो नोमीटर हमारा जीरो आ रहा है नोमीटर भी हमारा जीरो आ रहा है तो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म आ रही है सो लेट मी अप्लाई द एलोपिटल लोपिटल रूल और यू कैन से एल ओस्पिटल रूल्स सो क्या हो जाए दोस्तों इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नाउ डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो एंड डेरेवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स बट एक माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ओवरऑल डिमोमीटर का कितना आ गया साइन एक्स नाउ नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर इज टू एक्स देखिए या तो आप दोबारा इसको लिमिट अप्लाई करके देखिए जीरो ऑन जीरो फॉर्म आएगी आप दोस्म जरूर अप्लाई कर दीजिए सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिए कैसे इसको सित्त लिमिट एक्स चेंज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू वन बाई टू है ना इंटू वन बाई टू देखिए इस टाइप से दिया हुआ है आपको आपको पता है लिमिट एक्सटेंशन जीरो की एक एक वैल्यू कितनी होती है वन होती है सो वन इंटू वन बाई टू सो दन बाई टू दिन बाई टू सो द ऑप्शन नंबर सी या जिस भी ऑप्शन में वन बाय टू लिखा था दोस्तों वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर टू अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस ओनली क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस टू जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल थ्री के अंदर आपसे पूछा क्या देखिए दोस्तों द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरल टू लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोस्तों इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको इनिशियल सॉरी मीनू वैल्यू हम अप्लाई करनी केवल थोड़ा आपको याद दिलाते है दोस्तों जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है ना ये पॉइंट मान लीजिए हमारा ए है और ये पॉइंट मान लीजिए हमारा बी है फॉर एग्जाम्पल तो देखिए दोस्तों बोर्ड पे यहाँ पे अगर मैं इसको दोनों कनेक्ट कर दूँ ला लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ये हमारा फाइनल पॉइंट है अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाऊँ मैं देखिए ये तीनों टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल आ रही है तो मान लीजिए आजम करिए ये पॉइंट हमारा c है फॉर एग्जांपल तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल आ रही है मान लीजिए ये लाइन को मैं ab नाम दे देता हूँ तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन जो है ab वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c के बराबर होगा इसका मतलब क्या है टेंजेंट का मतलब तो, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या डेरिवेटिव हुआ तो f डश ऑफ c जो है दोस्तों वो ab के स्लोप के बराबर होगा सो तो, स्लोप कितना होगा इसमें y2 y1 x2 x1 दैट इज f ऑफ b f ऑफ a b a दिस इज नथिंग बट

मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल या नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब थ्योरम 100 परसेंट एप्लीकेबल है दोस्तों नो नीड टू वेस्ट टू टाइम बाय चेकिंग कंटिन्यूटी एंड फिर फिर भी अगर दोस्तों चेक करना चाहो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दिस इज योर एलजेब्रिक पोलिमल फंक्शन तो यह फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस और हमेशा ही डिफरेंशियेब होता है तो यस ऑब्वियसली यसियसलींट्रल के अंदर और डिफरनेबल है इसका मतलब मीस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल दैट इज दैट इज देर एग्जिस सी देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए वेयर सी मस्ट बिलोंग्स टू सी मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी ओपन इंटरवल ए कोमा बी तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ आपको. A है आपको ए की वैल्यू वन रखिए बी की वैल्यू थ्री रखिए पुट करिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ थ्री आ जाएगा यहाँ एफ ऑफ वन हो जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा थ्री माइनस वन और यहाँ इंटरवल हो जाएगा हमारा वन कोमा थ्री अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना एवडिश एक्स कितना आ गया टू एक्स माइनस टू एफ -X X c सी एक्स को सी से रिप्लेस कर दीजिए तो वो हो जाएगा टू सी माइनस टू सो टू सी माइनस टूल टू एफ ऑफ थ्री अगर मैं एक्स को थ्री पुट करता हूँ दोस्तों थ्री स्क्वायर कितना हुआ नाइन माइनस थ्री इंटू टू कितना हुआ सिक्स प्लस टू तो नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन माइनस फाइव तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू फाइव आ रही है माइनस तो टू तो बच गया हमारा एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालते हैं ना एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालते हैं है दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक्स को वन पुट करता हूँ तो यह आएगा 1 -2 2, 2 वन माइनस टू प्लस टू टू से टू कैंसिल हो गया कितना बचा वन तो देखिए एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आ रही है राइट तो देखिए इसको दोस्तों सॉल्व करो मैं तो टू सी माइनस टू इक्वल टू टू सी माइनस टू इक्वल टू जिसके सेकंड प्लीज फाइव माइनस वन कितना फोर फोर बाई टू कितना हुआ टू तो देखिए दोस्तों यहाँ से टू सी की वैल्यू कितनी आएगी फोर आएगी इस माइनस टू को ले जाएगी तो फोर तो बन जाएगा ये तो टू सी की वैल्यू फोर आ रही है मतलब सी की वैल्यू टू आ रही है सो सी इक्वल टू टू क्या ये टू वैल्यू है क्या इस इंटरवल में लाई कर रही है ना यस yes, इसका यस आंसर इज करेक्ट सो द आंसर इज टू सी इक्वल टू टू तो दोस्तों हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सी इक्वल टू टू सी की वैल्यू टू आ रही अगेन दोस्तों ऑप्शन थोड़े जंपलिंग हो सकते हो सकता है टू सी ऑप्शन में नहीं किसी और ऑप्शन में दिया हो तो so जिस भी ऑप्शन में सी लिखा दोस्तों जिस भी ऑप्शन ने टू लिखा हुआ है वही आपकी सी की वैल्यू है वही हमारा मेन वैल्यू है वही हमारा पॉइंट है जब हमें निकालने सो द आंसर इज टू नो लेटस मूव टू नेक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज द क्वेश्चन फॉर्म तो दोस्तों लीनियर डिफरेंशियन क्वेश्चन केवल लेब्निज डिफरेंशियल क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन देने रखिए आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखिए आपको वाई ऑफ पाइव एक्स के वैल्यू निकाली और ऑप्शन भी गिवेन रखिए तो देखिए दोस्तों पहले एक काम करते हैं इस पूरे इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड कर देते दे. हैं तो यहाँ कितना आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन कितना होगा कॉट एक्स तो कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स कितना हो गया so, दोस्तों कॉस एक्स तो उसको हमने पूरी इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो देखिए इक्वेश जो देखिए डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में दे रखी है सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है दोस्तों दिस इज नथिंग बट लैब डिफरेंस इक्वेशन वेर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स सो द क्या होता है दोस्तों सोल्व करने का इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होता है हमारा इट दू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स दैट इज कॉट एक्स डीएक्स कॉट एक्स कंटीशन दोस्तों सो इट द पॉल लॉग ऑफ साइन एक्स और लॉ कैंसिल होकर कितना बचा यहाँ एक्स बचा सिंपल साइन एक्स सो दोस्तों यहां पर डी एक्स प्लसेंट सी दोस्तों वाई इंटू साइन एक्स नो क्यू दोस्तों क्यू किसी लिखा हुआ है साइन एक्सक एक्स इंटू साइन एक्स राइट सो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी तो देखिए दोस्तों ओवरऑल फॉर्मुला बन गया देखिए साइन कॉसिक बट वन अपन साइन राइट तो देखिए आपस में कैंसिल हो गया यहाँ बच गया वन वन कंडीशन कितना एक्स हो गया तो आंसर कितना गया हमारा वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी ये हो गया हमारा जनरल सोल्यशन ना वट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर्बिटरी कॉन्शन विद्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन तो देखिए एक्स का पाए बाय ड्रिपीट करिए और वाई को पाई बाई रिपीट करिए दोस्तों तो so, अगर मैं यहाँ पे एक्स का पाए बाय ट्रिपीट करता हूँ

दोस्तों हमें निकालनी कौन सी वैल्यू हमें एक्स इक्वल टू फाई बाई सिक्स में वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं अगर मैं एक्स को फाइव बाई सिक्स पुट करू है ना एट एक्स इक्वल टू फाई बाय सिक्स देखते दोस्तों प्लीज कैलकुलेटर आपने अगर रिटर्न में रखा होगा दोस्तों तो आंसर सही आएगा अगर कैलकुलेटर आपने गलती से अगर आ, वैसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे लेकिन आप कैलकुलेटर से कर रहे हो दोस्तों अगर आपने कैलकुलेटर डिग्री में रख दिया तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो देखिए साइन फाइव बाई तो कितना हुआ हमारा वन बाई टू ना वन बाई टू और इक्वल टू कितना हुआ एक्स की वैल्यू फाइव बाई सिक्स है तो जहां जहां भी दोस्तों एक्सर हमने पाई बाई थी लिख दिया तो सर जब सोल्व करोगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय थ्री दिस इज योर आंसर सो द वाई इज इक्वल टू पाई बाई थ्री ना वाई इक्वल टू पाई बाय थ्री सो आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मतलब जिस भी ऑप्शन में पाई बाय थ्री लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना तो ऑप्शन थोड़े जमेंगे मेमरी बेस्ड ऑप्शन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों तो थोड़ा ऑप्शन इधर से उधर हो तो प्लीज आप चेक कर देना सो द आंसर इज पाई बाई थ्री नाउ लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ है? है आपको यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन तो देखिए दोस्तों ये जो है, इस को आप मान लीजिए ठीक है दोस्तों आपका ये हमारा है एफ ऑफ जेड देखिए दोस्तों फंक्शन जो है हमारा कॉस हेपरबोलिक तो हमेशा एनालिटिक होता है दिक्कत नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है जेड की फॉर्म में लिखा हुआ है तो अगर डिनोमीटर जीरो हो गया दोस्तों तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो गया तो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस और discontinuous तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा और नॉन एनालिटिक भी होगा तो फंक्शन जेड इक्वल टू जीरो पे नॉन एनालिटिक मीन्स फंक्शन हैव सिंगुलरटी एट जेड इक्व टू जीरो सो एफ ऑफ जेड हैव ना एफ ऑफ जैड हैिटी एट ना एफ ऑफ जैड हैंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो अच्छा उसको जेड के कंट्रोल जीरो पर कितने पोल है एक पोल बिकॉज अगर यहाँ पर जेड स्क्र लिखा तो दो पोल बोलते हैं जेड क्यूब लिखा तो तीन पोल बोलते हैं लेकिन जेड की पावर केवल वन है तो उससे यहाँ रखना यहाँ पे जो है हमारे केवल एक ही पोल है ठीक है अच्छा दोस्तों अगर हम हमें जो कंट्रोल दिया हुआ है वो क्या रखे आपको यूनिट सर्कल सेंटर एट ऑरिजिन तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ उस कंट्रोल तो बोर्ड पर देखिए प्लीज ऑब्जर्व करिए एक बार मान लीजिए ये हमारी रियल एक्सिस है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है ये हमारा ओरिजिन है तो ये जो कंटूर है एक यूनिट सर्कल दे रखा है आपको सेंटर एट ऑरिजिन राइट तो अगर मैं दोस्तों का डायग्राम बनाऊँ तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है कुछ

I will be equal to I can say that the answer of the integration will be equal to 2 pi iota into summation of those residues of f of z which are inside C which are inside the contour to keval ek hi residue contour ke andar dosto so 2 pi iota into residue of function at z equal to 0 तो दोस्तों मान लीजिए इसका मतलब है residue of function f of z at z equal to zero तो दोस्तों हमें बस residue निकालना है और कुछ भी नहीं करना है अब now यहाँ से देखिए दोस्तों अगर मुझे मान लीजिए अगर रेसिड्यू निकालना है दोस्तों जेड इक्वल टू जेड नॉट पर निकालना है रेसिड्यू एफ ऑफ जेड का तो फॉर्मूला कहता होल पावर एन एफ ऑफ जेड द फॉर्मूला दोस्तों यहां पे जेड नॉट क्या है जिस पॉइंट पे आप रेसिड्यू निकाल रहे हो और एन क्या है द नंबर ऑफ पॉल्स ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट तो देखिए दोस्तों रेसिड्यू में मुझे निकालना कहाँ पर है मुझे रेसिड्यू दोस्तों निकालना है जीरो पे तो पहले बात तो इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां भी जेड नॉट दिया हुआ वा है वहां आपको जीरो पुट करना है और देखिए जीरो पे कितने पोल है हमारे पास एक ही पोल है एफ ऑफ जेड के राइट right? तो एफ ऑफ जेड केवल एक ही पोल है जेड इक्वल टू जीरो पे तो पूरे फार्मूले में एन को वन पुट करना है तो जहां जहां भी एन है वहाँ पे वन पुट कर दीजिए और जेड नॉट को जीरो पुट कर दीजिए तो वन माइनस वन जीरो जीरो का फैक्टोरियल वन ही आएगा तो दोस्तों ये तो हमारा वन ही हो गया इसको छोड़ दीजिए नाउ लिमिट जेड नॉट जेड नॉट की वैल्यू कितनी जीरो तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो अच्छा एन की वैल्यू वन है वन माइनस वन कितना हुआ जीरो तो हमें जीरो बार डिफ्रेंशिएट करने में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो डिवेटिव लिटम हटा दीजिए नाउ जेड माइनस जेड नॉट जेड नॉट की वैल्यू जीरो है तो जेड माइनस जीरो में जेड बच गया केवल एन एन की वैल्यू है तो जेड की पावर वन लिखो या कुछ में लिखो एक ही बात है बिकॉज अगर मैंने कुछ पावर नहीं लिखा मतलब तो जेड की पावर ऑब्वियसली तो वन ही है ना अगर मैं वन लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ पावर वन ही हुई इन टू एफ ऑफ जेड तो दोस्तों बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है अगले स्टेप में तो आपका आंसर आ जाएगा पेपर बहुत सिंपल है दोस्तों को हाँ हो सकता है एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है वो जरूर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए टू तो तो पाई आई वोट आई इन टू नौ देखिए जेड इन टू एफ ऑफ जेड ये हमारा एफ ऑफ जेड दिया हुआ है इस पूरे फंक्शन को अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थ्री जेड अप टू बचेगा और लिमिट दे रखिए आपको जेड टेंस टू जीरो लिमिट दे रखिए जेड टेंस टू जीरो सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस दोस्तों अगर मैं जैड को जीरो पुट करता हूं अगर मैं जैड को जीरो पुट करता हूं दोस्तों तो कॉस जीरो सॉरी कॉ हाइपरबोलिक जीरो कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू दोस्तों जीरो ही सॉरी कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है आपको चाहो तो फॉर्मला यूज़ कर लीजिए दोस्तों अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकालना है तो फॉर्मला होता है इट पा पावर एक्स प्लस इटी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू तो यहाँ पे अगर आप एक्स को जीरो पुट करिए एक्स लिखिए जैड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अगर मैं यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करूंगा उसका आंसर वन आएगा तो कॉस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये कितना हो गया वन बाई टू इंटू टू बाई आयोटा सो टू पाई आयोटा इंटू वन बाई टू दोस्तों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा अगर तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है पाई आयोटा दिस इज द फाइनल आंसर है ना दिस इज द फाइनल आंसर दोस्तों पाई आयोटा तो इस क्वेश्चन के मुझे ऑप्शन पता नहीं है दोस्तों तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था तो जिस भी ऑप्शन में पाई आयोटा लिखा है दोस्तों वही आपका आंसर करेक्ट है तो अगेन इट इज वेरी गुड क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिया है कि एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल होती है अगर तो आपको ऑलरेडी पता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है तो आपको आगे क्या लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या इसी नहीं है दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच ऑब्वियसली मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कोई परेशान नहीं होना दोस्तों बिकॉज क्वेश्चन में मैंशन किया है कि होता क्या यह तो देखिए दोस्तों दिखा हुआ इसमें डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखी क्या दिख है कि यह डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट फॉर टी एंड टी नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर इज डिफाइंड एज इंटरगेक्शन ए टू बी फाइव ऑफ टी इं डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट डी इक्वल टू फाइव ऑफ टी नॉट वेन टी नॉट इज बिटवीन ए टू बी एंड जीरो अदरवाइज दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ तो ये एरिया फाइव ऑफ टी नॉट के बीच में आएगा अगर जो टी नॉट है दोस्तों हमारा वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो अदरवाइज इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो देखिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ आल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोस्तों मुझे आपको ऑप्शन अच्छा आपको निकालना क्या है आपको निकालना है लापा शांसम ऑफ डेल्टा ऑफ टी माइनस ए निकालना है वेर ए इज़ ग्रेटर देन जीरो तो देखिए दोस्तों पहले मैं आपको दो रेक्निक बताऊँगा सोल्व करने की क्या क्या

डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का लाप्लास निकालना है ना डेल्टा ऑफिस डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का अगर मुझे लाप्लास निकालना है दोस्तों तो देखिए दो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा लाप्लास ऑफ डेल्टा टी दैट इज इज इट माइनस एस टी नॉट अगर यहाँ पे टी नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इट इज माइनस एस ए और यू कैन से इट इज माइनस ए एस सो आंसर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तो जिस भी ऑप्शन में मतलब इट इज बार माइनस ए एस या माइनस एस ए लिखा हुआ है वही आपका ऑप्शन करेक्ट है तो so, दोस्तों so, काफी अच्छा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन तर, तरीका तो ये है कि डायरेक्ट अगर फार्मूला है आपको तो अगर फार्मूला नहीं भी बताया दोस्तों तो भी आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो दिखे आंसर के सबसे पहले चीज़ अगर मुझे एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है दोस्तों तो फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ आ गया हमारा दोस्तों एफ ऑफ टी इंटू इटू आर माइनस एस टी डी टी ठीक है दोस्तों हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसे निकालना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोस्तों निकालना है डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का तो एक काम करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ टी की जगह हम डेल्टा ऑफ टी माइनस ए लिख देते हैं ना तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों डेल्टा ऑफ टी इ टी वर माइनस एस टी को पहले लिख देता देते मैं इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस ए डी टी ठीक है अब ध्यान से देखिए दोस्तों ये जो चीज़ ध्यान से देखो अच्छा नॉट दोस्तों टी नॉट जो है वो जीरो से बड़ा ये भी क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था तो सबसे पहले चीज है ना ए सॉरी ए जो है हमारा दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ए हमारा जीरो से बड़ा है तो ध्यान से देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज अगर ए हमारा जीरो से बड़ा है तो देखिए ए जो है इस इंटरवल में लाइक कर रहा है इसका मतलब तो ए जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो आपको बताएगा दोस्तों की जो जब भी हमारा इंटरवल में लाई करता है तो हमारा आंसर होता है फाइव ऑफ टी नॉट फाइव ऑफ टी नॉट मीस ये जो फंक्शन हमारा फाइव ऑफ टी मान लीजिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपको बस टी की जगह टी नॉट पुट करना है कब जब यहाँ पे टी नॉट लिखा हो तो पे टी नोट नहीं ए लिखा हुआ है तो कितना हो गया से दिस इज योर आंसर कैसे भी करो बात वही है तो आपको अगर कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं भी बताओ दोस्तों परेशान नहीं होना है आपको सिंपल लापला फॉर्मूला पता होना चाहिए बस केवल और कुछ नहीं है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन था दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन था बट सोलूशन करना इसका बहुत सिंपल था दोस्तों क्या लिखा हुआ है लेट एनी वैक्टर एक्स कोई भी वैक्टर मान लीजिए एक्स मैक्स एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू हॉरेंटल एक्सिस मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों मान लीजिए जस्ट सेकंड प्लीज है ना मान लीजिए यह कोई वेक्टर है हमारा एक्स ना इसका वेक्टर का मैं एक्स नाम दे देता हूँ ठीक है ये जो एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू हॉरेंटल एक्सिस ना एंगल हमारा एंटी क्लॉक वाइज है ना मैं क्लॉक वाइज नहीं जाना है आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना है तो ये जो एंगल है दोस्तों ये आपको थीटा दिया हुआ है ना फॉर एनी एनी वैक्टर राइट फॉर एनी वैक्टर चाहे वो वैक्टर एक्स हो चाहे वैक्टर वाई हो तो वहाँ पे लिखा हुआ हमने फॉर एनी वक्टर लिखा हुआ देखिए प्लीज बट पे एक बार ना एनी वैक्टर एक्स ठीक है ना, तो मैक्स एन एंटीक्लोवाइज एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट तो टू एक्सिस ठीक है यहाँ तक की बात गई लेट ए इज टू क्रॉस टू सॉरी ए टू क्रॉस टू इज अ मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज़ इज कॉमा कोमा लेमड़ा वेर लेमड़ा ग्रेटर देन जीरो सर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर टू है तो वो ऑब्वियसली दो ही आइगन वैल्यू आने वाली इसकी तो इस दो आइगन वैल्यू जो है वो लेमड़ा है और लेमड़ा पॉजिटिव है लेमड़ा इज ग्रेटर देन जीरो है तो so, देखिए दोस्तों यहाँ पे लेमड़ा वन लेमड़ा टू ने लिखी लेमड़ा लेमड़ा लिखा है लेमड़ा लेमड़ा मीन बहुत आइगन वैल्यूज आर रिपीटिंग बहुत पॉजिटिव भी है और दोनों सेम भी है दोस्तों एक काम करते हैं बहुत सबसे बेस्ट तरीका सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों यहां इस क्वेश्चन करने का क्या है एक मैट्रिक्स ऐसी एज्यूम कर लीजिए जिसकी दोनों आइगन वैल्यू सेम भी हो और पॉजिटिव भी हो तो दोस्तों मान लीजिए मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेता हूँ लाइक दिस तो आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज दोस्तों कितने दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू राइट तो देखो आपको बताया दोस्तों कि डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर ही होती है तो यहाँ से जो पर आपकी लेमरा की जो वैल्यू आएगी वो दोनों ही टू कमा टू आ रही दोनों आइगन वैल्यू सेम आ रही है सो so, इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि दोनों आइगन वैल्यू सेम है और दोनों पॉजिटिव भी आ रही है अच्छा दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि आप ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप तो चाहते हैं आप माइनस फाइव कर दीजिए दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर सॉरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी डायगोनल एलिमेंट्स के बराबरी होगी तो आइगन वैल्यूज अभी भी यही आने वाली है आप चाहते हो दोस्तों इसको जीरो कर लीजिए या इसको मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए जैसे सेवन रख दीजिए फॉर एग्जाम्पल अगेन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से उसके आइगन वैल्यूज भी डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर ही होती है अगेन टू कमा टू ही आएगी दोस्तों आप कोई सा भी ले सकते हो एज लॉन्ग एज

तो हमें पता है कि ए माइनस पी आई ना ए माइनस पी आई मैट्रिक्स ओ सॉरी ए माइनस लेमड़ा आई मैट्रिक्स इंटू आइगन वैक्टर पी इज इक्वल टू जीरो दोस्तों यहाँ पर लेमड़ा के वैल्यू आपको टू दे रखी है तो लेमड़ा को टू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में तो यहाँ कितना आएगा ए माइनस टू आई दोस्तों ए माइनस टू आई जब करोगे तो डायगोनल में से टू माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा ज़ीरो जीरो 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 तो यहाँ पर जाएगा आपका जीरो ज़ीरो जीरो जीरो और पी को दोस्तों मान लीजिए कुछ भी पी वन पी टू मान लीजिए लाइक दिस और यहाँ आ गया हमारा जीरो ज़ीरो तो दोस्तों यहाँ तो से यहाँ से हमें नहीं पी वन की इक्वेशन मिल रही है नहीं पीटू की इक्वेशन मिल रही है तो एक काम कर लेते हैं इटर से दोस्तों दोनों की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेते हैं पी वन को मैं के वन मान लेता हूँ और लड़से पीटू को मैं के टू मान लेता हूँ दोस्तों जो हमारा वैक्टर है पी ना पी क्या है हमारा पी वन पी टू राइट पी वन पी टू मीनस के वन के टू दोस्तों हमारा जो आइगन वक्टर आ रहा है वो आ रहा है केन के टू इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर मैं मैट्रिक्स सी अज्यूम करता हूँ तो अगर आपने कुछ और दूसरा मैट्रिक्स करी होगी तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा एक्जाम्पल आएगा बट आगे वाले स्टेप सारी करने का तरीका सेम ही रहेगा दोस्तों आंसर आपका सेम ही आएगा तो देखिए दोस्तों अभी तक तुमने आगे में निकाल लिया आगे बढ़ते दोस्तों क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है दोस्तों पी डैश इक्वल टू ए इन टू पी लिखा हुआ है ना क्या लिखा हुआ है एंड पी डल टू ए ए टू पी चलो एक काम करते हैं पी डैश भी निकाल लेते हैं दोस्तों पी डे क्या है हमारा ए इन टू पी है ना तो दोस्तों मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ देखिए दोस्तों पी डैश जो है हमारा वो क्या है हमारा ए इन टू पी नाव पी डैश इक्वल टू तो दोस्तों अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ अगर तो देखिए दोस्तों कितना टू के वन टू के टू आएगा टू के वन टू के टू दोस्तों टू कम ले लू तो देखिए अंदर बच जाएगा के वन के टू के वन के टू और दोस्तों के वन के टू क्या था हमारा ये वैक्टर पी तो था तो देखिए पी डैश जो दोस्तों आ रहा है वो हमारा टू इंटू पी आ रहा है तो हमने दोस्तों मैट्रिक्स को मैनुअली मैन्यूम किया तो पी डैश हमारा टू इंटू पी आ रहा है ना, अब दो, अब दोस्तों फाइनली नाइनली देखते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं ना तो देखिए दोस्तों ने यही अभी तक तो की क्वेश्चन कहना क्या क्या चाह रहा है आपसे पूछना क्या कह रहा है तो दोस्तों ऑप्शन काफी बड़े बड़े थे तो मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखे केवल दो ऑप्शन लिखे सारे ऑप्शन इस टाइप के थे तो दोस्तों आपको दो, दो चीज़ें पूछ रही कि पीडेश जो है वो हॉरिंड्रोल एक्सर के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रहा है ना या तो एंगल थीटा दिया था ऑप्शन में दोस्तों या लेमा थीटा दिया हुआ था सिमिलरली आपसे पूछा था कि पीडेश का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है क्या पी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है या लेमा इंटू पी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि P -max anti angle, मैंने चार टाइप के ऑप्शन थे कुछ कुछ ऑप्शन एंगल थीटा दिया हुआ था कुछ कुछ मैं लेमडाटा दिया हुआ था ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे लेंथ के लिए यहाँ पे आपको लेंथ रखी थी की फॉर्म में और कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन है दोस्तों लेमड़ा इन लेंथ ऑफ़ पी की फॉर्म आपको आंसर दिया हुआ था दोस्तों कुल मिलाकर हमें पी डैश का एंगल कितना आ रहा है हॉर्डिलेक्स वो निकालना है एक तो और पी डैश का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है पी की टर्म्स में वो निकालने आपको तो ध्यान से देखिए दोस्तों बट पे पहले एक काी डैश का मैगनीटूट निकाले दोस्तों तो देखिए दोस्तों वक्टर का मैगनीटूट कैसे निकालते हम एजूम करिए कोई भी वैक्टर दिया हुआ है आपका ये प्लीज अजूम करिए दोस्तों कोई भी वैक्टर आपको दिया हुआ है मान लीजिए लेट्स ए लाइक दिस कोई वैक्टर दिया हुआ है एक्स वन एक्स टू अपू एक्स एन मानिए दिया हुआ ठीक है दोस्तों तो उसका अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस अप टू एक्स एन स्क्वायर ये दोस्तों हमारा वेक्टर का इस वेक्टर X का मैग्नीट्यूड हुआ है ना एक्स का मैग्नीट्यूड हुआ दोस्तों ठीक है थीके. दोस्तों अगर मैं पी डी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखिए दोस्तों टू के वन और टू के टू लिखा हुआ है तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना मेगमेटर अंडर रूट ऑफ टू के टू के वन का होल स्क्वायर मीनस फोर के वन स्क्वायर टू तो 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 और स्क्र मीन फोर के टू दोस्तों फोर कॉमन ले लीजिए बाहर रूट ऑफ फोर कितना प्लस के टू स्क्त ना प्लीज नोटिस करिए दोस्तों दिस इज नथिंग बट दिस इज नट मैग्निट ऑफ दिस वैक्टर तो क्या समझ में आया दोस्तों हमें समझ में आया क्या कि मैगन ऑफ पी डैश जो है दोस्तों वो किसके बारे में दोस्तों टू इन

फर्टी फाइव डिग्री होगा ना विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस अच्छा अगर मान लीजिए मैं वन कमा वन अगर टू कमा टू कर दो पॉइंट को तो भी दोस्तों लाइन तो यही रहेगी थ्री कमा थ्री कर, कर दो तो लाइन यही रहेगी एंगल चेंज नहीं होगा राइट वन तो कमा वन पे जो एंगल था दोस्तों फोर्टी फाइव डिग्री वही एंगल टू कमा टू पे होगा फॉर एग्जाम्पल तो दोस्तों हमारा ये बोल रखा है कोई भी जनरली जो वैक्टर है उसका एंगल दे रखा है थीटा है ना एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस चाहे वो वैक्टर एक्स हो चाहे वैक्ट पी हो ठीक है तो अगर दोस्तों पी का अगर पी अगर एंगल बना रहा है थीटा एंगल है ना विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपसे पूछा है कि पीडेस का एंगल कितना होगा तो ध्यान से देखिए दोस्तों पी डे इन नथिंग बट च्वाइस ऑफ पी तो दोस्तों अगर पी हमारा पॉइंट मान लीजिए ये पी जो पॉइंट है ये हमारी पी जो वक्टर है ये वन को मन पे जा रहा है मान लीजिए फॉर एक्जाम्प टू इन टू पी का मतलब क्या है टू को टू तो तक जा रहे हैं दोस्तों बात तो वही है तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है एंगल चेंज नहीं होगा जो एंगल पी का होगा वही पी डेच का भी होगा दोस्तों क्या समझ में आया कि अगर पी हमारा जो है थीटा एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिडोक्सेस तो दोस्तों पीडैच भी हमारा एंगल थीटा ही बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो देखिए दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ के देखिए दोस्तों तो मैंने दो ही ऑप्शन लिखे बिकॉज क्वेश्चन ऑप्शन काफी बड़े बड़े थे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का लिखा हुआ है पी डे मैक्स एंड एंड्रोवाइज एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हर एक्सिस यस इट इज करेक्ट क्योंकि जो एंगल पी का है दोस्तों थीटा था तो इसका भी एंगल थीटा ही होने वाला है एंड आगे क्या लिखा दोस्तो, नम्तुण नम्तुण है दोस्तों मैंगीक्रूट ऑफ पी डैश दोस्तों इसका मतलब होता है मैंगीट्रोट मैंगीक्रूट ऑफ पी इज नथिंग बट लेमा एन टू ऑफ पी तो दोस्तों हमारा यही आंसर आया है आप चाहो तो मैं दिखा भी हो एक बार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जो भी जिस भी ऑप्शन ने मानिए इस टाइप का ऑप्शन लिखा हुआ है ये ऑप्शन मेमोरीवाइज ऑप्शन है दोस्तों लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है तो कुल मिलाकर बात यह है एंगल चेंज नहीं होगा बट मैग्नीट्यूड जो है से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो जो भी बच्चे आप में से मैथमेटिक्स का प्रेडिक्शन या पूरे जो 65 फाइव का प्रेडिक्शन दिया था दोस्तों अगर आपने वो प्रेडिक्शन देखा होगा इंजीनियर्स अकेडमी का हर ब्रांच का मैकेनिकल का भी कराया हमने इसी का इलेक्ट्रिकल सब का तो दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर से आए हुए तो प्लीज बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर थैंक यू वेरी मच If you really like the video please hit the like button share the video subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates thank you